नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने की कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन अब लगता है कि प्रतिष्ठा के सवाल पर केजरीवाल सरकार तक को गंवाने को तैयार हो गए हैं। केजरीवाल के लिए सोमनाथ भारती प्रतिष्ठा का एक ऐसा सवाल बन गए हैं जिसका रहस्य कोई समझ नहीं पा रहा। ये प्रतिष्ठा ही तो थी कि अरविंद केजरीवाल बैठे थे धरने पर कि पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए क्योंकि तूतू मैमे हुए थी मंत्रियों के साथ। अब देखिए, पूरी दुनिया एक तरफ है, सब कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती को उनके पद से हटा देना चाहिए क्योंकि युगांडा की महिलाओं ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तो क्या एक मंत्री का उसके पद पर बने रहना नैतिक है? लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ सुनने को तैयार नहीं है, हर बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने एलजी से आज मुलाकात की थी, जिसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने इस बारे में बात की, उन्होंने कहा नहीं, इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे कि दरअसल क्या क्या हुआ है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी होनी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में भी वही धाक के तीन पात होगा, कुछ बदलेगा नहीं। केजरीवाल सरकार सोमनाथ भारती पर कोई कदम उठाएगी क्या, और इसी पर हम चर्चा अपनी शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, अनिल भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, साथ ही जगदीश मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही हम इंतजार कर रहे हैं कपिल मिश्रा जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अनिल जी, क्या ये जिद समझें, क्या ये प्रतिष्ठा का प्रश्न समझें, और कांग्रेस की तरफ से हम क्या समझें, क्या ये मसला आपके लिए इतना बड़ा है कि इसके लिए आप समर्थन खींच सकते हैं? नहीं देखिए श्वेता, विषय ये है, कार्यवाह आप ये नहीं कह सकते हम आम आदमी, ये समझना दरअसल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ लोगों की उम्मीदें इसलिए जुड़ी क्योंकि सबने उस सफेद टोपी के साथ एक सफेद आचरण देखा। क्या पार्टी की समझ को लोग नहीं समझ पा रहे हैं या मसला कुछ और है? जगदीश मुखी जी, आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, तब तक कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जगदीश मुखी जी, आपके हिसाब से ये एक मुख्यमंत्री की जिद है या एक पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल कि अपनी ईमानदार छवि को बरकरार रखना है? देखिए, कानून मंत्री कानून की धज्जियां उड़ा करके यदि इस प्रकार से काम करते हैं तो उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। आज केजरीवाल साहब ने, आपने ठीक कहा है, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। जब ये बात स्पष्ट हो गई कि एक युगांडा की लेडीज ने जाकर के अपने बयान भी दे दिए, कोर्ट के अंदर बयान भी दर्ज करा दिए हैं, और रात्रि को जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको रात्रि के समय पुलिस भी कभी नहीं बुला सकती महिलाओं को, उस सब के बावजूद इन्होंने रात्रि को उनके यूरिन टेस्ट जाके कराए हैं, इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। कानून की धज्जियां उड़ाई हैं कानून मंत्री ने, और हमारी ये मांग है तुरंत, क्योंकि केजरीवाल साहब ने इसे अपना प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया हुआ है। आज तो केवल मात्र यही हो सकता है, दो चीजें हैं कि हमारे जो एलजी साहब हैं इनको बर्खास्त करें, और हम आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर आए हैं, हमने उनसे मांग की है कि जो दफाएं इनके खिलाफ लगी हैं, जिस प्रकार की इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, रिपोर्ट है और बयान हुए हैं, यदि मेरे खिलाफ होते आई वुड हैव बीन बिहाइंड द बार इमीडिएटली। आज ये खास आदमी हो गए हैं, पुलिस का कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री है या चाहे वो संतरी है। क्या एक आम आदमी खास हो गया है कपिल जी, तुरंत उसके ऊपर जी जगदीश जी जवाब ले लेते हैं। देखिए, अभी जो मुखी साहब कह रहे हैं, एक तो अभी तक तो सोमनाथ भारती जी के ऊपर कोई ऐसी धारा या दफा लगी नहीं है, ये 164 में बयान दिया गया है जिसमें ये कहा है कि उस समूह के साथ, तो राहुल गांधी प्रियंका के साथ वहां पर मौजूद थे, जाहिर है जिस तरह की चुनौती मिली है, कुमार विश्वास जिस तरीके से डट गए हैं वहां पर अमेठी में जाके, और जिस तरह से प्रचार चल रहा है, राहुल गांधी को कुछ काले झंडे भी दिखाए गए थे, हालांकि उनसे प्यार करने वालों की कमी नहीं है अमेठी में, क्योंकि लगातार नेहरू गांधी परिवार अमेठी से जुड़ा रहा है। अब कुमार विश्वास इस दफा कितनी चुनौती दे पाते हैं, वंशवाद की बेड़ियों पर कविता की पंक्तियां कितनी भारी पड़ती हैं, यह बहुत दिलचस्प होगा। हम चर्चा इस बार इस वक्त कर रहे हैं सोमनाथ भारती के बारे में, कानून मंत्री जो ऐसे पचड़े में फंसा है कि
सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि कोई भी कदम उनके खिलाफ उठाया जाए। आखिर क्यों? इसी पर हम बात कर रहे हैं। जगदीश मुखी जी, यहां पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि खिड़की एक्सटेंशन के लोगों से हमने बातचीत की, हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई वो परेशान थे। उन लोगों ने कहा कि हां हम परेशान थे, चलिए हमने मान लिया कि ये बात सही थी, लेकिन क्या उस शिकायत को सुनने का, उसे दूर करने का यही तरीका था जो उन्होंने किया है वहां जाकर सोमनाथ भारती ने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीका अडॉप्ट किया है। कानून का अपना तरीका है, उस कानून के हिसाब से इनको करना चाहिए था। मंत्री रात के अंधेरे के अंदर जाकर खुद रेड मारेगा और फिर यहां कर जाकर महिलाओं के टेस्ट कराएगा, ये तो सारी जो कंप्लेंट की गई है वो भी है। उसके अतिरिक्त जो डेनिश महिला ने एक नाम जो इन्होंने लिया है वो अपने आप में एक ऐसा ऑफेंस है जो आईपीसी के अंतर्गत नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसके अतिरिक्त भी ये लॉ मंत्री ने, आपने देखा होगा जब ये वकील थे तो इन्होंने एक पवन कुमार के विरुद्ध एक केस लिया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और उसके तहत कानून के विरुद्ध इन्होंने विरोधी पार्टी के जो विटनेस थे उनको प्रभावित करने की कोशिश की और उन पर विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। ये एक एस्टैब्लिश्ड मिसकंडक्ट का केस है। इसी प्रकार का आपको ध्यान होगा आर के अनंत सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यही किया था, तब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बार ने उनका लाइसेंस कैंसिल किया था। आज भी यहां दिल्ली की बार कोर्ट ने उनके लाइसेंस के कैंसिल करने के लिए नोटिस दिया हुआ है जी। क्या केजरीवाल इतने सब उनके विरुद्ध होने के बावजूद उनको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं? ये हमेशा शुचिता की बात करते हैं राजनीति में, जिस प्रकार के इन्होंने मिसकंडक्ट, वाकई पहला मामला नहीं है, इसके अलावा और मामले हैं। उस सब के बावजूद केजरीवाल उन पर पूरा विश्वास किए हुए हैं। हम आपसे कहीं इसका जवाब देने के लिए उससे पहले हम दिखाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड, जिनका समर्थन रहा है आम आदमी पार्टी सरकार को, उसके विधायक शोएब इकबाल क्या कह रहे हैं। देखिए, सोमनाथ भारती वाला जो केस है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको लेके मुझे अफसोस होता है, और जिस तरह के हालात आज जो समझ पा रहे हैं, दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। हम लोगों ने आपको सोमनाथ भारती के सवाल पर रेफरेंडम, भारद्वाज जी से एक बात कहना चाह रहा हूं जी। भारद्वाज जी, जी जी भारद्वाज जी और शोएब इकबाल जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद उनका, किंतु मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब आप ये कहते हैं कि ना उन्होंने केजरीवाल साहब ने आपसे सहायता मांगी नहीं, आप जबरदस्ती दे रहे हैं, आप उनसे इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? हम मांगे तो समझ में आती है, बर्खास्त करने की हम मांग करें समझ में आती है, कर रहे हैं, किंतु आपके हाथ में तो आपने तो सरकार बनाई है। इस बात का जवाब आप सीधा उनका आप विड्रॉ कीजिएगा, मंत्री भी खत्म हो गए, हम लेंगे और दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं। आपका भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसका मतलब ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरा डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है क्या इस पूरे मामले में? एक तरफ आम आदमी पार्टी का, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का, ये जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक, की वजह से इनको सरकार के लिए बुलाया था, आपने समर्थन, लेकिन जब नहीं, हम कम्युनल फोर्सेस को समर्थन नहीं कर सकते। हाँ। जब दूसरा कोई रास्ता यहाँ खंडित जनादेश था और उस जनादेश, खंडित जनादेश को देखते हुए एक ऐसे व्यवस्था जिसमें चुनी हुई सरकार बन सके, लोग ये ना कहें भाई कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन लगा दिया, तो हमने एक चुनी हुई सरकार का रास्ता दिया और उसमें मुद्दा आधारित आउटसाइड सपोर्ट किया है उन वायदों को, आपके लिए इतना बड़ा है कि आप समर्थन वापसी करें। यहाँ एक लॉ मिनिस्टर ने कानून को लगातार उसको तोड़ा है और निश्चित तौर पर हम उनके इस्तीफे के इसके लिए, आप इसके लिए तैयार हैं कि कांग्रेस हट भी सकती है और इस मामले में इस्तीफे के बजाय कांग्रेस को खराब कोई नहीं कहेगा, अपना समर्थन वापस ले लीजिएगा, इस्तीफे अपना आप ही हो जाएगा ना? नहीं, हम आपके कहने पर समर्थन नहीं वापस लेंगे।
अभी जो आप ही कहने इस्तीफा मैं एक मिनट मुकी साहब एक मिनट जवाब दे दो मुकी साहब एक्ट के देखिए समर्थन विड्रॉल करने का सवाल नहीं है हमने एक मिनिस्टर का मैं एक मिनट जवाब दे दूं भारद्वाज जी वक्त उतना ही बचा है कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अभी लगभग एक हजार ऐसा कैसे ले लिया जाएगा हम इसी पारदर्शिता का इंतजार कर रहे हैं हम पारदर्शिता का इंतजार कर रहे हैं चाहे वो पार्टी कोई भी हो दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है उसके एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं लेकिन पारदर्शिता कम से कम मंशा के लिहाज से नजर आ नहीं रही है जगदीश मुखी जी आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल जी आपका कपिल आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरें और खासकर एक खासम खास सर्वे हमने जो किया है आपके लिए जिसमें अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो क्या नतीजा निकलेगा बहुत ही दिलचस्प है बस 7 बजे से उसकी शुरुआत होने वाली है देखते रहिए आज